इंट्रोडक्शन गया बाद में, डायरेक्ट अपडेट देखो। शिक्षित ग्रामीण युवाओं को मिल सकती है पढ़ाने की जिम्मेदारी। जो कौन है ये वो हैं जो सक्षम योजना में आए हुए हैं। गांव के सरपंच और स्कूलों से मांगी जाएगी रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को स्वीकृति के लिए भेजा। भाई सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं, सिर्फ पता किस चीज़ की ढीला है। 4 जनवरी के बाद नोटिस तैयार कर दिया जाएगा। 4 जनवरी के बाद जो आपके पास जो सक्षम योजना में जो लगे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएंगे, उनके पास सक्षम योजना के तहत काम का मैसेज आएगा और वो स्कूलों में पढ़ाएंगे डेली 4 घंटे और 25 दिन तक पढ़ाएंगे। उनकी 100 घंटे की अटेंडेंस ही लगेगी और उनको पैसे भी उतने ही दिए जाएंगे। यहाँ पर जो योजना उसके फरीदाबाद से जो न्यूज़ आई है, चलो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवा वहाँ के स्कूलों में जाकर छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। भाई सब कुछ तैयार हो चुका है, बस सक्षम के पास काम का मैसेज आने की डील है सिर्फ, और तैयार रही हो फिर बोलोगे कि हमारे पास काम का मैसेज नहीं आया। आईडी चेक करनी पड़ेगी, दिल्ली कैसे चेक करते वो भी मैं सिखा दूंगा। सब ठीक रहा तो अगले वर्ष मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर होने के साथ स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर हो जाएगी। स्टेट सी डेट वालों तभी के कल रहे हो। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसे अंतिम रूप देने के लिए गांव के सरपंच और स्कूलों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। अंतिम रूप देने लागने वाली सारे काम दाम वाली हैं, नींव दर्दी है, ठीक है। इसके आधार पर मुख्यालय को स्कूलों में शिक्षक की कमी का ब्यौरा देंगे। सक्षम और सक्षम प्लस योजना को मिलेगा लाभ। सक्षम कुछ सक्षम ये वो हैं जो मास्टरों के दौरान भी आते हैं, और अपने 2 सक्षम यहाँ पर देख सकते हैं आप। सक्षम और सक्षम प्लस योजना मतलब सक्षम दो तरह के सक्षम है ये को, मतलब शिक्षा विभाग की ओर से सक्षम और सक्षम प्लस अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को विज्ञान गणित अंग्रेजी हिंदी और EVS आदि विषयों में सक्षम बनाया जा रहा है। इसके लिए छात्रों की अतिरिक्त प्लस क्लास लगाई जाएगी, इसके लिए बेहतर फलाना दिख रहा जो भी है। इस यहाँ पर आप डायरेक्ट मुद्दे पाओ, अब सीधी बात बताऊँ आप लोगों को कि 6000 में सिर्फ जो सक्षम योजना काम कर रहे हैं वो सिर्फ 6000 में पढ़ाएंगे 25 दिन, मतलब 25 या 26 दिन हो जाते हैं क्योंकि एक दिन छुट्टी भी मार सकते हैं, क्योंकि 4 तो संडे आ जाएंगे 30 दिन में से, और एक कोई एक्स्ट्रा छुट्टी आ ही जाती है तो 25 दिन। और सक्षम को काम करना आता है 100 घंटे, तो 25 चौके 100 डेली 4 घंटे पढ़ाएंगे, 100 घंटे हाजिरी कंप्लीट सक्षम वालों की कच्चे काटो। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की संख्या करीब 239 है। इसमें करीब 71,000 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिले में करीब 2,254 शिक्षक तैयार हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1,100 स्कूल हैं, इसमें करीब 30,000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। इसमें करीब 1,000 शिक्षकों का पद स्वीकृत है। भाई कमाल है यार, इसमें करीब 300 से अधिक पद रिक्त हैं। 300 से अधिक मास्टर तो भाई खाली पड़े हैं बेचारे, एसटेट सीटेट और कर लो JBT नू गया कर दे, JBT सबसे बड़ा कोर्स है। बताया जा रहा है रिक्त पदों की ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक युवाओं से भरा जाएगा, इससे शिक्षा के में सुधार आ सकता है। भाई शिक्षा में सुधार आओ चाहे ना हो, क्योंकि एक तो जो बंदा जो मतलब मास्टर बनने के लिए स्टेट सीटेट पात्रता पाड़ी है, JBT करी है, BEd करी है, कुछ भी मान लो, एक तो उसने मतलब स्पेशल उस वो शिक्षक लाइन में जान ला रहा है, एक मान लो को मेरे वर्गा है सीधी BA कर गया सक्षम योजना में आ गया और कल को मास्टर बनेगा, कौन सा बेहतर है? आप खुद समझदार हो, मैं नहीं बोलता। ये जो यहाँ के जो नए रूल आ रहे हैं ये बोल रहे हैं सिर्फ कितनी से मास्टर कैसे लगा जाता है, पता है कैसे लगा जाता है? गाँव के सरपंच और स्कूल से मांगी जाएगी रिपोर्ट। ले भाई बस गांव के स्कूल और सरपंच रिपोर्ट देते ही आप 6000 मास्टर तैयार हो सक्षम योजना के तहत, एसटेट सीटेट JBT BEd गया बाढ़ में। लाइक मारो, जमा कर और शेयर ठोक दो। बाय बाय।